हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी चटनी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। आपने चटनी तो घर में कई बार बनाई होगी, लेकिन हर बार क्या होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी नहीं बन पाती। तो हम क्या करेंगे, हम वही सीखेंगे कि हम रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने सामान लिया है। देखिए मैंने ये लिया है एक प्याज, एक छोटा सा टमाटर, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा, 5 हरी मिर्च, 10-12 कली लहसुन के लिए, थोड़ा सा धनिया, 2 चम्मच दही और डालेंगे नींबू का रस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको धनिया को एक मिक्सी जार में डाल लेते हैं। प्याज को मोटा मोटा कट कर लेंगे और डाल देंगे। ऐसे ही अदरक को मोटा मोटा कट करके डाल देंगे। हरी मिर्च को बीच से 2 बार कट करेंगे और डाल देंगे। एक बार आप इस तरह से चटनी बनाएंगे तो और तरीके सारे भूल जाएंगे, इतनी अच्छी लगती है ये चटनी। और क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम लहसुन, डालेंगे नींबू का रस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके साथ और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूँ। देखिए और क्या करेंगे, इसमें हम 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। देखिए मैंने सबसे छोटे वाली स्पून ली है, इस स्पून से हम नमक डालेंगे। नमक हिसाब से ही डालना है, नमक तेज ना हो ध्यान रखेंगे। देखिए अब हम डालेंगे दही। इसमें पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी, इसको हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनके एकदम तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है इसमें, एकदम लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए अब आप घर पे भी ऐसी चटनी बना पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।